कैसी अपनी पैरेलल फैमिली, और हम जा रहे हैं अभी खाटू श्याम जी। और ये रे मेरा जो प्लान बना है सडन, तुम्हें बता लाइक ऑलवेज, तो ये रे बच्चे अपने, और हमेशा की तरह सडन प्लान बन गया, तो अभी रिफ्यूलिंग के लिए खड़े हैं और गाड़ी अभी दो आ रही है, तो चलते हैं, मजे आएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां चल रहा है मेला और क्राउड है बहुत अल्टीमेट, तो दिखाऊंगा तुम्हें, पहली बार जा रहा हूं मैं इस टाइम पे, तो कोशिश करते हैं तुम्हें सब चीज एक्सप्लोर करा पाऊं, तो स्टे ट्यून्ड। तो क्या हाल है आप सभी गाइस, देख रहे हो हमारे बॉडी बिल्डर भाई ड्राइविंग की रेटिंग है, ड्राइविंग रेटिंग हमारा ड्राइवर कहां गया, ड्राइवर पता नहीं कहां चला गया, ये रहा ट्रक ड्राइवर हमारा। हां भाई ड्राइविंग बड़ी खतरनाक है, बंदे पलटा रहे हो तुम, जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है भाई, ड्राइवर अच्छा तुम ले सकते हो वैसे। ओ जाम लग रहा है यहाँ पे ट्रकों का हर टाइम की तरह, तुम्हें पता ही है, बाकी ट्रिप बहुत सही जा रही है, तो मिल लो चाचा चाची, उनकी छोटी सी बच्ची, बड़े वाली भी उन्हीं की है, पापा तो बस पापा जिंदगी में ड्राइवर समझ रखा मुझे, इनकी जिंदगी में ड्राइवर ही, लड़का थोड़ी पैदा करा, ड्राइवर पैदा करा है, तो चल रहे हैं। और बाकी कल बहुत मतलब वहाँ पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो सब चीज़ के मज़े देंगे। वैसे हम आप मतलब है क्या खाटू श्याम में इतने लोग क्यों जा रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? फागुन का मेला लग रहा ना, छुट्टी पड़ी है दो दिन की, इसलिए जा रहे हैं। हम 6 साल से एग्जाम में फंसे हुए हैं, घर से निकले थे जब बच्चे छोटे छोटे थे, टिंडू तो पैदा ही हुई थी बस, और आज भी हम इसी जाम में ही हैं, देख लो 6 साल हो गए हैं, गाड़ी बस ऐसे चल रही है जैसे कि एग्जाम्पल भी समझ नहीं आ रहा, बच्चे हैं वरना मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चे बड़े हो गए जिस टाइम आए थे उस टाइम छोटे थे, तो उस व्लॉग को आज कंटिन्यू करते करते 6 साल पूरे हो गए हैं, तो 6th एनिवर्सरी भी अपनी गाड़ी में बनाएंगे अभी तो यहाँ ही हाल है, अभी तो यहाँ से 100 किलोमीटर है, कैसे होगा यार सब कैसे, और एक आदमी देख लो, देख लो कितना शरीफ दिखता है ना आदमी, है नहीं। बस एक ही चीज बोलूंगा, आ रहे हो तो अपना दिमाग और पेशेंस रख के लाना, इतना जाम है पागल हो जाऊंगा भाई, मतलब मैं पर्सनली सजेस्ट यही करूंगा, ठीक है मत ही आओ, अभी मत आओ, थोड़े टाइम बाद आ जाना, बहुत गंदा जाम है, परेशान हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से, और अगर ये बात तुम्हें झूठ लग रही है ना दिखाता हूँ तुम्हें, जाम तो दिखा, ये 6 साल पहले की थी और 6 साल बाद भी हम यहीं पे इसी जाम में, तो इसलिए खत्म नहीं होने वाला, दम बहुत ज्यादा था और हमारे चाचा ने फीडर उठाया जाम खाली करवाने का, तो उतर के पैदल चले गए, ये नहीं पता जाना कहाँ है कितना लंबा जाम है, पर वो चले गए एफर्ट लगाने, कोई बात नहीं चलने दो यार, उनको भी थक गए बेचारे बैठे बैठे, कुछ दो शब्द पिताजी के लिए, ये इसकी आँख खराब हो गई किसी वजह से, धूप लग रही है आपके शीशे में, इसको ज्यादा ही धूप लग रही है और जाम चिन्हिन भी कर रहा है, बहुत ही गंदा सीन है, मतलब रात से जब से निकले हैं बस रेवाड़ी जब तक पार किया भर गया, हरियाणा के पार होते ही जाम बहुत खतरनाक ही था, तो भाई मत आना जो आने का प्लान कर रहे हो इस टाइम से, बिल्कुल मत आना, एक तो आज सैटरडे हॉलीडे और ऊपर से यहाँ चल रहा है, अरे हाँ मतलब यार सैटरडे संडे ही था भाई, हाँ नहीं मत आना, आओ तो ट्रेन से आओ और सीधा उतर के पैदल जाओ, गाड़ी से मत आना वरना परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम हो गए, धूप लग रही है इसको पीछे से अब भी बहुत तेज़, तो इसलिए अब क्या करें, आ गए तो बस दर्शन तो करने पड़ेंगे, अब हमने ऐसे फंस चुके हैं ना, तो हम पीछे जा सकते हैं ना तो हम आगे जा सकते हैं, तो बस यही जिंदगी में रास्ता और यही जिंदगी में वो पड़ा, एक जगह फंस गए बीच में, सारी चीज़ बढ़िया पर जाम ने ना कुत्ते बेल कर दिए हमारे भाई साहब, जिंदगी में जाम ही खत्म नहीं हो रहा, अब यहाँ पर इन्होंने ढूंढ लिया काम का सौदा, कैसा है जाम कैसा है बेटा, तू गाड़ी चला रहा तुझे पता लगता क्या, सोया पड़ा था मेरे को मतलब नहीं है, सो रहा है मेरा, तो मन ऐसा करा गाड़ी तेरे को दे दू तू चला ले, चला मेरे को नहीं चला, नहीं ये खड़ी अपने सोन पर ही, ये नकली ड्राइवर वो रही शिफ्ट, तो चलते अपना फटाफट यहाँ से निकल के, गाड़ी पार्किंग मिल गई और हम सोच रहे थे बहुत ज़्यादा चलने का बट हमने हैक लगाया, ये अपनी पालम की धर्मशाला है, तो हमने बोला हमारी धर्मशाला है तो वहाँ पे आ रहे हैं, और पार्किंग बहुत पास मिल गई, चेन पिन रखी थी मैंने उतार दी क्योंकि अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ी कर दी लॉक, अब चलते हैं फटाफट बाहर, तो गाइस आज हम आ चुके खाटू श्याम की तरफ, और देख रहे हैं यहाँ पर टॉप फ्लोर पर बंदों ने बैठा रखा है, कुछ मिस कम्युनिकेशन हो चुकी है, जाके देख के आए क्या हो गया कुछ नहीं बस हम बच गए भीड़ में, चलो इनने स्कैम करा पुलिस वालों के साथ, ये गलत बात है,
इन्होंने पता नहीं कोई गांव का नाम लिया साथ, शादी मारा क्या साथ, ये नहीं है भाई टोले ने वहां बोल रहा, कह रहा शादी में जा रहा चलो भाई, ये स्कैम कर दिया इन्होंने बहुत सारे लोगों के, मतलब भीड़ खराब करी है। निशान ना ले रहे, कह रहे हैं ड्राइविंग ड्राइविंग, ये जो सारा थपिटर आदमी जूझा भाई ड्राइविंग एक नंबर थी भाई इनकी, सही है मैं इनको पकड़ के ले जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि हम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे, कहीं गलत ही जगह जा रहे हैं। लाइन लग रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, वो लाइन पता किनके लिए थी, दलितों के लिए बना रखी थी, उन्हें घुसने दे रहे हैं, हमें घुसने दे रहे हो मना कर रहे हैं भाई, शक्ल की ऐसे छू रखी मेरे, तो मैंने नए मंदिर में घुस रहा हूँ पहली बार, पर देखना टॉप फ्लोर कहाँ खड़ी है। बड़े दिन बाद आए खाटू श्याम गाइस, हेलो गाइस, हम पहली बार आए हैं। हाँ हम पहली बार आए हैं खाटू श्याम। हाँ बाबा जी ने काफी दिनों में बुलाया, और अगर इनकी ड्राइविंग चलती रही तो आखिरी बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनकी खतरनाक ड्राइविंग भाई, मेरे को लग रहा था कि मैंने इंडिया में घूम रहा हूँ, पर इस छोरी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड चाहिए, हम इंडिया में नहीं घूम रहे गाइस। और पीछे तुम्हें लाइन दिखाई, और ये देखो स्लीपर निकले हो इधर से, पुलिस वाले कम लग रहे हैं, बदमाश ज्यादा बन रहे अपनी जान में, रहे तो बेवकूफ के बच्चे ही, क्या ही बोले हैं, क्या कह रहा है। हाँ भाई अंग्रेज, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए तेरे को छोड़ गए, इसको इसको लड़का बना के दिखा दे, बता पा देख तुझे मैजिक करके दिखा रहा, कुछ तो करके दिखा, तो बेइज्जती होगी, कुछ और करके दिखा तगड़ा सा, मेरे को लड़का और भाई को लड़की, हाँ ऐसा कुछ कर दे, चल ना ना ऐसा नहीं लगता भाई, मैं यो जो कुत्तों की तरफ घूम रहे रास्ते की पता है नहीं पता तुमने, इन्हें मैंने किसी ने पता, सारे बेवकूफ हैं, घूमने जा रहे कभी कहीं कभी कहीं रास्ते की किसी को नहीं पता, एक तो वैसी पेशेंट और पेशेंट का जिना रहा, और मैं ऐसे सिखा रहा हूँ जिन्हें ऐसे धक्का मार एक बार फिर से ये देख के तो पालम की याद आ गई जन्माष्टमी खाटू नरेश की जय, ये भी वृंदावन मना रहे हैं अंग्रेज यहाँ पे आके खाटू काम पे, हेलो गाइस आज मैं आपको अंग्रेज से मिलाएंगे, चप्पल चोरी कर ली, आ शर्म तो नहीं आ रही होगी है ना, नहीं बिल्कुल, हाँ भाई पता नहीं किसकी चप्पल चोरी कर ली, जूता भी है, आ आ आ दो पैर ये जूते भी ले लो भाई, चप्पल चोरी कर ली, चप्पल चोरी, हाँ चप्पल चोर 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 चप्पल चोरी कर ली भाई, बुरा ना मानो अटैक पड़ गया मुझ पे उल्टा, आपके सामने मंदिर के सामने पहुंचा कराने के पास आपका इंतजार कर रही है, आप जाते ही हो मंदिर के सामने पहुंचे, मैं नहीं कर रहा मैं करूं तो कर दियो चेंज हुआ है वो ये हुआ है, लगातार ग्राउंड जो नया बना है पहले ये नहीं था, तो अभी अंदर चलते हैं फिर देखते हैं, ये अंग्रेज आ चुकी है यहाँ पे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री राम, देख रहे हो और ये जो कॉरिडोर है बहुत बड़ा बना रखा है, मंदिर काफी दूर है, ये जो नया बनाया यही बनाया, चले लो बच्चा बच्चा अच्छी क्वालिटी का है वो फोन था, अरे वो सासी का लड़का है, सासी समाज चार पांच साल का, ले लो फ्री में लुट गया माल, लुट गया एक ही बचा दे सारे पीस बिक गए, लास्ट पीस है लास्ट, तो बच्चा बेच रहे हैं, मोल भाव जल्दी टोले का लड़का बच्चे बेच रहे हैं, अच्छा रेट चाहिए, अच्छा रेट, ध्रुव मिल गया, ध्रुव बच्चे उठाते हुए पिट्टू अबे ओए 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 मुड़ जा गए अबे दूर झटके आ जाएगा मुड़ जाएगा, ओए रहने दे नया नहीं मिलेगा यहाँ पे समर
बोल खाटू नरेश की जय। बोल पापा की तो बैटरी हवा कर रहा है। चिकन क्या करने वाले? अब मैं तुझे राइडर वाली फील देख करके दिखा दूँ। देख गलत इंसान ने फंस गया हो। समा जब तुम्हारे पास जिम जाने के पैसे ना हो तुम आर्म्स बनाने हो ट्राइसेप खास करके। और अगर तुम्हारे पास चेस्ट में बाइसेप्स मार रहे हैं ना बाइसेप कलिंग तो ऐसे बाड़े उठाओगे अब उठे ना सिंगल हैंड कर सकते ऐसे। बताता हूँ जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों को नहीं पता। तो खाटू श्याम जी में क्या होता है जो लोग ये झंडे लेके आते हैं तो झंडे ऐसे इनको निशान बोलते हैं और इनको रिंगस से उठाया जाता है और काफ़ी हद तक लोग अपने घर से मतलब पैदल यात्रा करते हैं तो रिंगस यहाँ से 16 किलोमीटर है वो लोग यहाँ पर आते हैं तो ये सब जो उसमें मन्नत होती है मान के नहीं मानता जाता ये सब देखो सब लोग मान भी रहे हैं तो ये होते हैं यहाँ के रिचुअल्स वो सब करते हैं। तो होप इतनी आवाज़ में आपको सुनाई दिया होगा बट मैं और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ अंदर नहीं जाती महाकाली बस आप दूर से देख के और चले जाते हैं तो जैसे यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है फिर निशान के अंदर ये निशान के अंदर होता है तो इसको यही बांधा जाता है मन्नत होती है ना ये रहा। गरीब हिंदुस्तानी का खून कम पसीने का कमाए यार क्या हो गया इस देश के नागरिकों को बहन बहन फोन वोन चुरा रहे बच्चा चुरा लो हमारा कम से कम तो खुश रहेंगे थोड़ा सा ये किसी और की अमानत हमारे साथ पड़ गई मतलब चोरों का शर्म आनी चाहिए फोन चुरा रहे हो जेबें काट रहे हो ये किसी और की अमानत हमारे साथ पड़ गई। हाँ चोरों का शर्म आनी चाहिए फोन चुरा रहे हो भाई बच्चा चुरा हमारा हम बैठे हैं आप परेशान हो रहे हैं परेशान कर रखे इसका पापा पैसे भी दे थोड़ा बहुत लो बच्चा दे ले लो प्यार समर को समर के बाप लौटा दो। ले ले पैसा ले लो प्यार समर के बाप समर के पास छोड़ दो। समर पापा बोलियो समर पापा बोले देख हमारी देख बेटा कितना बेकार है ऐसा लड़का फ्री में बेकार है मेरे लिए। अगर भाई तुम स्कूल वगैरह में स्काउट गाइड मत लेना उनकी इज्जत कुछ ऐसे होती है ये बेचारे समाज कर्मचारी बना रखे हैं स्काउट गाइड वाले स्काउट से हमसे भी पैसे नहीं देगा स्कूल में 800 रुपये लेते हैं चोर है स्कूल वाले भी और ये भी समझ बहुत पाप हाँ चीता ही कहते भाई अभी सुअर ही कहते शेर कमाल की चीज देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत क्या जिसका टैलेंट मैं आज तक नहीं पहचान पाया केदारनाथ दी पिट्ठू बॉय भाई साहब के पीछे था पिट्ठू बैठा के मैं तेरी गोली की तरह कहना मैं नहीं रुका तो इसलिए हमने डिसीजन लिया हमारे परिवार ने कि केदारनाथ की यात्रा खुलते तो पिट्ठू का काम करेगा मैं नहीं खेल रहा अरे ये मैंने ये डिसीजन कर लिया कि तेरे को पिट्ठू बनाएंगे तेरी कला तेरा टैलेंट हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया पिट्ठू बन सकता है बहुत अच्छा मैं नहीं अच्छा बताओ अंदर जो डेकोरेशन थी कैसी थी भाई एक नंबर थी मैं तो मजे मारते हुए पूरा लोग धक्के मारे भड़ा पड़े बहुत प्यारा लग रहा था और भीड़ थी मतलब भीड़ में पता नहीं लगा मुझे नहीं पता लगा भीड़ भाड़ का दर्शन अच्छे हुए अपना तो गया बिल्कुल एक्सप्रेस वे वाला दर्शन अच्छे हुए इसका प्राइस कितना है क्या क्या रेट है क्या मस्त है 40 रुपये का 40 रुपये की है जगह कौन सी जगह कौन सी भाई जगह बता दे राधे की हवेली है बंसी मटका कुल्फी और कहाँ ना राधे की हवेली अच्छा ठीक है भाई खाटू साहब मैं आ जरूर आना आओ तो टेस्ट भी देता हूँ एक नंबर टेस्ट है भाई और भाई अभी एक कुल्फी फ्री और खिलाएगा मेरे को
भाई अब मैंने तेरा प्रमोशन करा, एक कुल्फी फ्री खिला मेरे को। चोटी खाने के लिए रुपए और स्ट्रेस बता दें। इसका रिव्यू देते हैं, हमने लिया कड़ी का चोटी जो कि फेमस है। तुझे पैसा मिलेगा कहाँ का दरदान, तुझे पैसा मिलेगा एक रुपया लेगा दो रुपया। तो वहाँ से आने के बाद सो गया था क्योंकि बहुत गंदी नींद आ रही थी भाई, गर्मी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, गाड़ी भवक रही थी धूप के अंदर और मैं फिर भी सो गया इतने नींद के नशे। बहुत सही में उठा रहा हूँ पूरा पसीने में रखा हूँ भाई साहब, गाड़ी आधी भवक रही है गंदी, और नींद के नशे नींद के नशे। अभी खाना खाने रुके यहाँ पे, मेरे लाइसेंस नहीं है। पनीर भुर्जी दाल रोटी और को भी अच्छा खाना मिला ही नहीं। गरीब वाली हमारे बाबू कहीं छोड़ गए थे। ये तूने साफ करा ही सारा, कितनी मेहनती है यार ये। इसकी तो रील बनानी पड़ेगी सफाई करते हुए। मैं गाड़ी नंबर आपको बता दूंगा, इस आदमी का डीएलई भेज दूंगा। ये हाई बीम पे हमेशा गाड़ी चला था, जितना मोटा चला कट सके। लो बीम पे कर रखी थी मैंने अभी, तो आंख लग गई थी, पर अभी यहाँ से इसलिए जाना पड़ा कि सुबह बच्चों के पेपर है, ऑफिस से मंडे है, तो इसलिए चलते हैं घर फटाफट। और अभी आ रही नींद। सो फाइनली इनकम्प्लीट नींद में हम पहुँच गए हरियाणा, और अभी भी 100 किलोमीटर का सुबह चार करते हैं, अभी कवर कर जाके सोते, भूख लगी बट बहुत जोर से। बहुत अच्छा खाना दिखा खाने को, आगे अपना पराठा आलू प्याज का खाते हैं। आपने देख लिया कि कैसा था खाटू श्याम का व्लॉग, तो बहुत मजा आया बट जाम बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा परेशान हो गए। तो हम लोग पहुँचे थे 3 बजे घर पे, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए सोते हैं स्मोक पे करते हैं स्लो पॉइंट। तो हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, जय जय श्री खाटू श्याम बोल के करते हैं व्लॉग को एंड। और आप लोग भी जाना और बताना कि मज़े आएगी।